हाँ भाई, क्या हाल है। तो ये है अपने पास रोनिन 225 टॉप वेरिएंट, ऑरेंज कलर, डाउन ऑरेंज। तो आज इसको देखेंगे, राइड रिव्यू लेके इसका चलाएंगे। कैसी राइड रिव्यू देंगे आपको, तो चलो बैठते हैं भाई ब्यूटी पे। ऑरेंज कलर की मस्त लग रही भाई कलर। तो बैठने पे भाई फर्स्ट इंप्रेशन, पोस्चर काफ़ी सही है, अपराइट पोस्चर ही है, सीट भी कंफर्टेबल है, फ्यूल टैंक काफ़ी वाइड है भाई, बहुत वाइड है। चलो ये की देख लो, मस्त लग रही है भाई इसकी, काफ़ी कूल है। मीटर करते हैं ऑन, इग्निशन देते हैं, मीटर ऐसा आता है इसका, काफ़ी यूनिक है। आवाज़ भाई, आवाज़ बहुत स्मूथ आवाज़ है, बेसियर भी और लाउड भी है। ये फर्स्ट गियर डाल दिया है भाई, इनिशियल पिकअप बहुत बढ़िया है। फर्स्ट गियर में ऐसे झटका सा आता है पावर का, जैसे गियर शिफ्ट करता हूँ सेकंड, तो भी अभी ब्रेक करा के चेक कर लेते हैं। सस्पेंशन अपसाइड डाउन फोक से फ्रंट में, रियर में मोनोशोक है भाई, बहुत सही सस्पेंशन है। मतलब थोड़े से स्टीफ है, बाकी कंफर्टेबल ही है, ज़्यादा स्टीफ नहीं है, सॉफ्ट ही है। मतलब सिटी में भी मज़ा आएगा और हाईवे पर आप ले जाओगे तो भी आपको सही स्टेबिलिटी मिलेगी इसमें। और स्मूथ चल रही है, बहुत ही स्मूथ चल रही है। टर्न पे थोड़ा लीन करके देखता हूँ भाई साहब, काफ़ी बढ़िया लीन हो जा रही है। फ्रंट टायर 110 का है, रियर 130 का, तो चौड़े टायर ब्लॉक पैटर्न के, तो ग्रिप अच्छी आ रही है, बहुत सही लग रही है भाई। और 5 स्पीड गियर बॉक्स है इसका, तो 6 गियर होते तो मज़ा आता, बट डाउन शिफ्ट बहुत ही स्मूथ हो रही है। देखो कोई जर्क फील नहीं हो रहा, एंड अप शिफ्ट करूँगा, ये देखो बहुत स्मूथली। असिस्ट स्लीपर क्लच है, तो बहुत लाइट है क्लच भाई, एडजस्टेबल लीवर है, टॉप मॉडल है, तो आप क्लच लीवर को और ब्रेक लीवर को एडजस्ट भी कर सकते हो भाई। डाउन मारता हूँ गियर, तो कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा इसमें, डाउन में भी गियर डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ तो बहुत ही मतलब स्मूथ चल रही है। टर्निंग रेडियस भी काफ़ी सही है इसका, हॉर्न भी बढ़िया लाउड है, और भाई रिएक्शन काफ़ी अच्छे मिलते हैं रोड पे इसको, तो लुक भी काफ़ी अच्छी है इसकी। लोग देखते हैं कौन सी बाइक है, क्योंकि एक तो इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो लोग मुड़ के देखते हैं एक बार तो। और स्पीड जल्दी पकड़ दी है, ये देख लो कितनी जल्दी स्पीड अचीव कर लेती है। अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई इसकी, तो ज़्यादा भगा नहीं सकते, तो थोड़ा आराम से ही चला रहा हूँ मैं। एंड डुअल चैनल एबीएस है, ब्रेक देखता हूँ, ये फ्रंट ब्रेक है, वाओ भाई बहुत ही मतलब अच्छी बाइट आ रही है एबीएस से। और रियर भी दबा के देखता हूँ एक बार, रियर ठीक है, एबीएस है रियर में भी, बट ठीक ठाक है रियर का, मतलब सही है। इसमें 2 मोड है, अभी रेन पे लगी हुई है, अर्बन हो रही है इसमें, देखो अर्बन लग जाएगा, अभी अर्बन लग गया है। अर्बन में क्या है कि ये रेन में क्या है कि एबीएस मोर इंट्रूसिव हो जाते हैं और अर्बन में लेस इंट्रूसिव, तो थोड़ा एबीएस का फ़र्क पड़ता है ब्रेकिंग का। ये देखो कितनी अच्छी वाइट आ रही भाई, बहुत सही वाइट आ रही ब्रेक की। और मेन चीज़ यार वाइब्रेशन नहीं इस बाइक में कोई भी, हैंडल बार पे भी नहीं आ रहे कोई वाइब्रेशन, ना तो फ्यूल टैंक पे, स्मूथ है बाइक, मतलब भागने में बहुत स्मूथ। और आवाज़ भी उतनी स्मूथ आ रही इसकी, पीछे से कुछ जर की आवाज़ नहीं आ रही इसके एग्जॉस्ट साउंड से। एंड अभी टर्न लेते हैं यहाँ से भाई, ये देखो आवाज़ कितनी अच्छी आती है, कितनी प्यारी आवाज़ आती है खींचने पर इसकी, खींचने में बहुत अच्छी साउंड निकल के आती है इसमें से। और बहुत कंफर्टेबल पोस्चर है भाई, आप लॉन्ग राइड मारोगे तो भी मतलब बहुत इजीली आप ले जा सकते हो, क्योंकि सीट कंफर्ट भी सही है, पैडिंग अच्छी है सीट की, 2 बंदे बैठ सकते हो। राइडर पिलियन, पिलियन वाली थोड़ी सी छोटी है बट ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 16 लीटर का फ्यूल टैंक है भाई, और ये देख लो इसका व्यू गजब लग रही है, एकदम बढ़िया। विंड ब्लास्ट तो भाई आएगा यहाँ से, क्योंकि एक तो मीटर भी इधर ही हो गया, इधर का खाली हो गया स्पेस, तो विंड ब्लास्ट काफ़ी आएगा इसमें। अगर आप टॉप स्पीड अचीव करोगे 120 km/h के आसपास जाएगी, माइलेज 30 से 35 km/h की देगी। बट जो भाई गियर शिफ्टिंग है ना यार, बहुत स्मूथ है, बटर स्मूथ, मतलब ये अब शिफ्ट किया बहुत प्यार से भाई। 5th गियर लगी है टॉप गियर में, 5 गियर है, और स्टेबल है, टायर्स की ग्रिप काफ़ी अच्छी आ रही है, रोड पे बिल्कुल चिपक के चल रही है, स्टेबल। लीन करोगे तो भी काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, बिल्कुल ऐसे करोगे तो आप बहुत सही मज़ा आने वाला है इस बाइक पे आपको। हंटर भी चलाई थी मैंने, हंटर और इसमें फ़र्क है यार, काफ़ी फ़र्क है चलने में, वो एक अलग ही मतलब उसकी पावर थोड़ी अलग ही है, और उसमें वेट ज़्यादा है, थोड़ी लाइट वेट भी है। एंड उसका पोस्चर थोड़ा सा भाई डाउन साइड है, तो हाथ में थोड़ा सा पेन उसमें होगा उसमें। बाकी हीटिंग की बात करूँ, अभी तो हीट नहीं कर रही यार ये,
बाकी अभी पहले जब डिलीवरी ली थी उसने सुमित ने तो उस दिन चलाई तो हीट काफ़ी आ रही क्योंकि नई बाइक एक तो, बाकी अभी तो कोई हीट वीट ऐसी आ नहीं रही, बढ़िया चल रही है। ओल्ड कूल्ड है, थोड़ी बहुत हीटिंग आएगी क्योंकि फिर नेकेड बॉडी यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है तो थोड़ी बहुत हीट आएगी, ज़्यादा नहीं, तो बाकी सर्विस के बाद सही हो जाएगी वो भी। बाकी चलाने में काफ़ी मज़ेदार है भाई, चलाने में बहुत सही मज़ा आ रहा है इसको, कंफर्टेबल है मेन बात ये, बहुत कंफर्टेबल है पोस्चर इसका। शुरू में तो मेरे पाँव में पेन हुआ था एक दो दिन, बट अब तो यार बिल्कुल सही मज़ा आ रहा है, अब तो आदत हो गई कुछ, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो रही। ट्रैफिक में भी आप सही इजीली हैंडल कर सकते हो आप इसको, आप इजीली कटिंग कर सकते हो ट्रैफिक में, बिल्कुल बहुत सही तरीके से ओवरटेक कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें टॉर्क काफ़ी अच्छा है तो इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज भी अच्छी इस बाइक की, तो खींचती है पूरी खींचती है मतलब गियर में। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी ये रोनिन 225, राइड रिव्यू कैसा लगा इसका। ये सस्पेंशन देखो भाई, बम्स फील नहीं होते यार इसमें, बिल्कुल स्मूथ है, तो बताना कैसा लगा राइड रिव्यू और कमेंट करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना। अभी लेफ्ट टर्न ले लेते हैं भाई, बहुत स्मूथ है यार, बहुत स्मूथ है, भगाने बहुत मज़ा आने वाला है इस बाइक को। बाकी मीटर विजिबिलिटी भी काफ़ी सही है इसकी, दिखता है आराम से, और राउंड शेप में अलग ही डिज़ाइन है, डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखाता है आपको यहाँ पे, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, बट मिरर्स हैं वो थोड़े से अलग डिज़ाइन के, वैसे तो अभी वर्टिकल कर रखे हैं, ओरिजिनली भी सेट कर सकते हो आप इसको टेढ़े भी, तो मतलब विजिबिलिटी ठीक है मिरर की, ज़्यादा खास नहीं है, तो ये चीज़ है। बाकी मॉडिफिकेशन वगैरह आप इसमें करवा सकते हो काफ़ी सही आप चाहो तो, बाकी काफ़ी अच्छी है यार। हैंडलिंग की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया हैंडलिंग है इसकी भाई, और काफ़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हो आप, काफ़ी इजीली राइड कर पाओगे इसमें, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है इस बाइक की, क्योंकि इसमें आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं फ्रंट में, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी बन जाती है, टायर्स भी सही हैं इसके, TVS के टायर मिलते हैं, बट मज़ा काफ़ी आता है। मेन चीज़ जो है ना इसकी, मेरे को आवाज़ मस्त लगती है और स्मूथ, दो चीज़ें बहुत स्मूथ है और आवाज़ तो बहुत ही प्यारी, मतलब चलती है बाइक चलाने में, बहुत मज़ा आता है इसको यार। बाकी आप राइड लेके देखो आपको पता चलेगा कैसी है, मैं तो यही कहूँगा जिसको लेनी है यार, बहुत सही बाइक इस प्राइस सेगमेंट में। टॉप वेरिएंट है 2,03,000 रुपये का आया है, और मिड वेरिएंट 1,88,000 का पड़ेगा आपको, और जो आपका बेस वेरिएंट है वो 1,77,000 का, तो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सही बाइक है यार ये। 225 cc का इंजन मिल जाता है, काफ़ी अच्छी खासी पावर है, ब्रेकिंग सारी चीज़ें मिल जाती है इसमें, बढ़िया पैक्ड मिलते हैं बिल्कुल, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं इस बाइक में, आप बिल्कुल ले सकते हो इस बाइक को यार, मज़ा ही आएगा चलाने में। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, मौज लो, बाय।